हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद असद रज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद असद चैनल। यह है रोमन न्यूमरल्स पार्ट 4। इसके अंदर आपको रोमन न्यूमरल्स की जो एडिंग है वो आपको सिखाया जाएगा, और जो रोमन न्यूमरल्स पार्ट 5 है उसमें आपको रोमन न्यूमरल्स की सब्ट्रैक्टिंग सिखाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सरफेस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक्स एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? 10। एक्स का मतलब क्या होता है? 10। एक्स का मतलब क्या होता है? 10। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। ये तो ज़रा ईजी था। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल एक्स 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 इज इक्वल्स टू 50 + 10 + 10 + 10। तो L का मतलब क्या होता है? 50। X का मतलब क्या होता है? 10। X का मतलब क्या होता है? 10। X का मतलब क्या होता है? 10। तो 50 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 80। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। L का मतलब क्या होता है? 50। X का मतलब क्या होता है? 10। X का मतलब क्या होता है? 10। ये तो सेम है, इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो V का मतलब क्या होता है? 5 2 I I। तो 5 + 1 + 1 इज इक्वल टू 77। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये ही सिर्फ 3 एग्जांपल्स की थी, और नेक्स्ट आने वाला है रोमन न्यूमरल्स पार्ट 5। जो रोमन न्यूमरल्स पार्ट 5 की जो सब्ट्रैक्शन है वो मेरी रोमन न्यूमरल्स पार्ट 1 की वीडियो जाके देख सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उससे आप बराबर से सीख सकें। और जो एडिशन का भी जो फॉर्मूला है वो भी पार्ट 1 में ही मौजूद है, तो आप उसे जाके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।